दोस्तों आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब मैंने इसरो के डेवलपमेंट को कंपेयर किया अदर स्पेस एजेंसी से तो मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकली, ओएमजी माइंड ब्लोइंग। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आप गर्व से कहेंगे कि आप उस देश में रहते हैं जिसकी स्पेस एजेंसी सबसे बेहतर है। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाना तभी काम आएगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो वर्ल्ड की अदर स्पेस एजेंसी से कितनी बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसरो नासा की तरह ही गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, बट यह है प्योरली रिजल्ट ओरिएंटेड एंड सिग्निफिकेंटली कॉस्ट इफेक्टिव। सही से कहा जाए तो दुनिया की यह सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है विद ग्रेट सक्सेस रेट। इसरो को नासा या अदर स्पेस एजेंसी से कंपेयर करना ही बेईमानी है क्योंकि इसरो के पास नासा जितना ह्यूज फंडिंग नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, नासा की पर ईयर फंडिंग है $18 बिलियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA की फंडिंग है $7 बिलियन, CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी इसकी पर ईयर फंडिंग है $3 बिलियन और इसरो की पर ईयर फंडिंग है $1.7 बिलियन ओनली। अब देखिए कितना कम खर्च इसरो करता है, इसलिए इसका कंपेयर करना फेयर नहीं है। इसरो इतना कम खर्च करता है इसका मतलब यह नहीं है कि इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं दिए हैं। PSLV C-37 ने 104 सैटेलाइट सिंगल फ्लाइट में लॉन्च किए हैं। मंगलयान की वजह से इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन पाया जो मार्स को ऑर्बिट कर सके, और इसी मंगलयान की वजह से इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बन पाया जिसने फर्स्ट ट्राई में ही मार्स तक पहुंचने का मुकाम करके दिखाया। अब आप कॉस्ट भी कंपेयर कर लीजिए, जहां मंगलयान का बजट $75 मिलियन है, वही नासा के मावेन मार्स ऑर्बिटर का बजट $672 मिलियन है। दोस्तों इसीलिए मैंने बोला रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इस समय दुनिया की हर स्पेस एजेंसी पावरफुल से पावरफुल रॉकेट बनाना चाहती है, बट इसरो का माइंडसेट ये है कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। इसरो के PSLV लॉन्च व्हीकल को लें तो इनके पास इसके ही 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तीनों रॉकेट पेलोड को पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में 600 किलोमीटर तक ले जाने में कैपेबल है, पर कस्टमर्स के पास यह ऑप्शन है कि वो कौन सा PSLV वेरिएंट, कौन सा PSLV रॉकेट चूज करना चाहते हैं अपने सैटेलाइट के साइज और वेट के हिसाब से। इसी से पता चलता है इसरो के कॉस्ट इफेक्टिव होने का। मंगलयान मिशन में इसरो ने यह दुनिया को दिखा दिया कि बड़े से बड़े इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का पहली बार में ही कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। दोस्तों इसरो के पास बड़ा लॉन्च व्हीकल नहीं था कि उस लॉन्च व्हीकल के मदद से वो अर्थ को एस्केप करते हुए एक ही बार में मार्स के रास्ते पर निकल जाए। दोस्तों इसके लिए इसरो ने पहले मार्स ऑर्बिटर को 23,563 किलोमीटर तक रेस कराया, फिर 28,826 किलोमीटर तक रेस कराया, और ऐसे करते हुए इसरो ने 6 टाइम ऑर्बिट राइजिंग मैन्यूवर्स परफॉर्म किए और बिना बड़े रॉकेट का इस्तेमाल किए मार्स ऑर्बिटर को अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करके दिखाया, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, और बाद में इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल करके भी दिखाया। इसरो की ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ट्रूली अमेजिंग है, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि इसरो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी है। इसरो ने चंद्रयान मिशन करके दिखाया, चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है, वीनस मिशन और सोलर मिशन आदित्य L1 भी लाइन में है। अब कोई भी ये वीडियो देखने के बाद क्या कहेगा, इसरो के पास नासा जितनी फंडिंग भी नहीं है और ना ही उसके पास इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस हैं, पर ये सब इसरो को आगे बढ़ने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से नहीं रोक सकते, और ये इसरो के डेडिकेशन को दिखाता है। दोस्तों इसरो के इस डेडिकेशन को हमें भी अपना लव शो करना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बोला आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इंडियन को पता चले कि हमारी स्पेस एजेंसी कितनी बेहतर है।